हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन सो दिस चैनल इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ़ एन यूजीसी नेट एंड जे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर टू सो एज ऑफ नाउ वी हैव ऑलरेडी डिसकस इंडियन फिलॉसफी जिसके अंदर हमने सांख्य फिलॉसफी वेदांत फिलॉसफी योग फिलॉसफी बुद्धिज़्म और जैनिज्म फिलॉसफी के साथ साथ वेस्टर्न फिलॉसफी को भी डिटेल में डिस्कस किया है तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स सो दिस वीडियो डील्स विद महात्मा गांधी जी तो महात्मा गांधी जी का सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे डेवलपमेंटल ऑफ सोशल चेंज के अंदर जिन्होंने एक महत्वपूर्ण अपना अभिनय जो निभाया है और हम ये महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइए स्टार्ट करते हैं तो महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी बॉर्न थे उनका जन्म हुआ था एटीन सिक्सटी में गुजरात में और इनको ऑनर किया जाता है बाय द पीपल ऑफ़ इंडिया एज अ फादर ऑफ़ अ नेशन ठीक है एज अ फादर ऑफ़ अ नेशन को इनको कहा जाता है और इंडिया के पीपल के द्वारा इन्हें ऑनर किया जाता है इनका फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी ये ग्रेट लीडर थे आपके प्रैक्टिकल फिलोसफर थे इसके साथ साथ एजुकेशनल थिंकर थे ठीक है गांधी जी का जो विजन है जो गांधी जी का जो विजन है वो न्यू इंडिया का उस टाइम के दौरान आज़ादी के दौरान ये था कि हर कोई एवरी रिलीजन हैज़ ए फुल एंड इक्वल प्लेस कि हर कोई रिलीजन को फुल प्लेस हो और उसके इक्वल प्लेस हो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना हर किसी को अपने रिलीजन को मानने की फुल अटोनमी थी फुल आज़ादी थी और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जो कि ये पूरी तरह से अपोज करते थे पार्टीशन ऑफ इंडिया कि जब हमारे हिंदू हमारे इंडिया और भारत का और जब पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था तो ये उनके चीज़ के पूर्व खिलाफ थे इक्वली देर वुड बी नो रूम फॉर मशीन्स इनका ये मानना था कि इन्होंने हमारे जो हैंड क्राफ्ट शिप को काफ़ी बढ़ावा दिया था हैंड क्राफ्ट शिप यानी कि जो हम हाथ से बनी हुई चीज़ों को और जो हैंड लेबर को ह्यूमन लेबर को इनको ज़्यादा बढ़ावा देते थे और ये कहते थे कि जितने भी मशीन्स हैं Uh, ये आपके ह्यूमन लेबर का को हटा uh, नहीं सकती ठीक है मशीन्स कोई भी सब्सिट्यूशन नहीं हो सकती है ह्यूमन लेबर की और पूरी तरह से डिस्पेस नहीं कर सकती और ये कंसट्रेट कर, करते थे पावर इन फ्यू हैंड्स ही फ्री एंड कास्टलेस सोसाइटी विद नो एक्सपोर्टेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये चाहते थे एक फ्री और हमारी कास्टलेस सोसाइटी हो जिसके ऊपर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कोई भी तरह का एक्सप्लोटेशन ना हो और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो यानी कि रंग के भेद रंग रंग के ऊपर कोई भी तरह का भेदभाव ना हो आई होप ये आपको समझ आया होगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी एक्सपोनेंट थे ऑफ सुप्रीम मोरल वैल्यूज़ के ठीक है सुप्रीम मोरल वैल्यूज के मेन एक्सपोनेंट थे ही ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द ह्यूमंस वांटेड टू एस्टैब्लिश कास्टलेस सोसाइटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देते थे ये पूरी तरह से अगेंस्ट थे और ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे एक कास्टलेस सोसाइटी को और एक प्लेस ऐसा ऑर करना चाहते थे जो कि इन प्लेस ऑफ कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी यानी कि कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए इन प्लेस ऑफ कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी क्योंकि क्या उस दौर में ये चला था कि जो एस सी एस टी थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था तो जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने पूरा आंदोलन स्थापित किया था उन्होंने इस जो प्रथा के खिलाफ इस प्रैक्टिस के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो वो कास्टलेस सोसाइटी एक बेस्ड करना चाहते थे ठीक है ही फर्स्ट लेड अ मोमेंट टू एंड द अपाथेड पॉलिसी इन द साउथ अफ्रीका एंड देन लीड अ मोमेंट अगेंस्ट द रेशल डिस्क्रिमिनेशन इन अपर एंड लोअर क्लासेस बेस्ड ऑन बर्थ क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से आपको पता होगा इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो साउथ अफ्रीका में कम्प्लीट uh, की थी और उनके उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है uh, उनके रंग के ऊपर यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग भे, भेदभाव होता है तो उन्होंने uh, एक मोमेंट चलाया था uh, कि, uh, कि किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन अपर एंड लोअर क्लासेस के बीच में ठीक है एफर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्टलेस सोसाइटी इन प्लेस ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाई बर्थ उनका एक कास्टलेस सोसाइटी को स्टेब्लिश करना ही मेन एम था और किसी भी तरह की इट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टूगेदर दैट पीपल फ्रॉम पॉलिटिक्स हैव रूटेड सच अ बेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंस्टेड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डेट इट हैज बिकेम अ वॉलेटर इन अ नेशनल यूनिफिकेशन उन्होंने कहा था कि जितने भी जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रेशियल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना है ये एक तरह का नेशन में एक वॉयेशन uh, की स्थिति पैदा कर देता है यानी कि हर कोई आपस में जब डिस्क्रिमिनेशन होएगा तो हमारे uh, पूरे एक सोसाइटी में वॉयलेशन पैदा होगा इसलिए इसको कर्व करने के लिए इसको रोकने के लिए इन्होंने कास्टलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का एम बनाया इनका विजन था ये ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है गांधी जी ट्राइड स्टेब्लिशिंग द इक्वालिटी ऑफ ऑल द रिलीजन इन प्लेस ऑफ All religious insulted society. कि इन्होंने पूरी तरह से सबको अपने रिलीजन को इक्वली मानने की अटोनमी देना को इन्होंने प्रेफर किया इन्होंने फेवर किया कि हर किसी को अपने रिलीजन को मानने की अटोनमी होनी चाहिए उनको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब मीनिंग ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं गांधी जी का तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन था अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़ टू प्रमोट द फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और गांधी जी ने प्रमोट किया था फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की आपकी फ़िजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग इज़ ओनली द मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स नॉट ऑल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने वाली बात है कि जो गांधी जी ने कहा था कि रीडिंग है और राइटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ मीन्स ऑफ एजुकेशन है ये पूरा संपूर्ण नहीं है यहाँ पर ठीक है ये सिर्फ एक एक जरिया है आपका कम्युनिकेशन करने का एक आ, एक एजुकेशन का इसके बेसिस पे आ, आपको क्या है ये पूरा एक आधार नहीं माना जाता ठीक है गांधी जी बेसिक एजुकेशन वाज एन एंबॉयडमेंट ऑफ हिज परसेप्शन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल सेल्फ रिलायड कम्युनिटीज विद दिस आइडियल सिटीजन बीइंग एन इंडस्ट्रीज सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड जनरस इंडिविजुअल लिविंग इन अ स्मॉल कोऑपरेटिव कम्युनिटी यानी कि जो बेसिक एजुकेशन का जो इन्होंने नींव रखी थी और इनका ये परसेप्शन था कि एक आइडल सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज हो यानि कि आत्मनिर्भर कम्युनिटीज़ हो आत्मनिर्भर कि जो वो अपना अपनी सर्वाइवल के लिए खुद काम ठीक है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वो बनाए ठीक है और इंडस्ट्रीज बनाने के साथ साथ वो दूसरों को भी रोजगार प्रदान करे रोजगार दे ताकि उनकी भी लाइवलीहुड हो सके ठीक है और जेनरस इंडिविजुअल उन्होंने बताया कि जो रहता है इन स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्युनिटी कि एक ऐसा इंसान एक आइडियल है जो कि एक आ, सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज़ को डेवलप करता है इसके साथ साथ एक स्मॉल कोऑपरेटिव कम्युनिटी में रहता है ऑल राउंड एंड ऑल राउंड ड्राॅइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो बेस्ड होता है इंसान की बॉडी पे इंसान की माइंड पे और उसके साथ साथ उनकी स्पिरिट पे ठीक है ऑल राउंड हारमोनियस डेवेलपमेंट बेस्ट रिकॉगनाइजेस अ ग्रेट पोटेंशियल कॉल्ड अप इन इन्यूमन बॉडी स्पिरिट एंड माइंड और ये इनका विजन था ठीक है नेक्स्ट ये कुछ बेसिक एजुकेशन स्कीम थी जिसको हम वर्धा स्कीम भी कहते हैं मैं आपको लिख के बता देती हूँ जिसको हम डब्ल्यू uh, ए डी एच ए यानी कि जिसको हम वर्धा स्कीम भी कहते हैं कभी कभी या फिर हम इसको नई तालीम शिक्षा भी कहते हैं नई तालीम कहते हैं ठीक है जीके? तो बेसिक एजुकेशन स्कीम है तो उसके अंदर क्या क्या है जो गांधी जी ने कहा था पहला कहा था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन और फ्राम सेवन टू फोर्टीन ईयर्स यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे फ्री करना उसके साथ साथ कंपलसरी करना क्राफ़्ट एज ए सेंटर ऑफ़ एजुकेशन की जो क्राफ्ट है हमारा वो एक सेंटर ऑफ़ एजुकेशन होना चाहिए ठीक है इसके साथ साथ एक सेल्फ़ सपोर्टिंग एजुकेशन होना चाहिए कि ऐसी एजुकेशन होना कि जो भी इंसान को पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट करे उसे सेल्फ सपोर्ट करे सेल्फ रियलाइजेशन उसे दे मदर टंग एज अ मीडियम जो हमारी मदर टंग यानी कि मातृभाषा है हिंदी वो हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हमारी एजुकेशन में और ये एम्फिसिस करता था हमारे नॉन वायलेंस पर ठीक है तो ये कुछ बेसिक एजुकेशन स्कीम थी जो कि गांधी जी ने बात की थी नेक्स्ट देखते हैं मेटाफिजिक्स और गांधी फिलासफी तो गांधी फिलासफी की क्या मेटाफिजिक्स है गांधी जी कंसिडर एज अमेन एज अ कॉम्बिनेशन one second hmm. gandhi considered a human as a combination of a body mind and soul and considered that the human's ultimate objective in the life is to attain enlightenment दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट में आ जाता है कि ऐसी कौन सी फिलोसफी है जो आपके अल्टीमेट एम है जिसका अटेन करना एनलाइटनमेंट को तो वो आपकी गांधी फिलोसफी है क्योंकि गांधी जी कहते थे कि एक अल्टीमेट एम होना चाहिए इंसान का कि वो सेल्वेशन की प्राप्त करें यानी कि सेल्वेशन ले मोक्ष की प्राप्ति हो उसके साथ साथ उसको एनलाइटमेंट हो कि उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो सेलवेशन के साथ साथ एनलाइटनमेंट हो ठीक है नेक्स्ट वो एम्फेसाइज करते थे टू डेवलप हिज फिजिकल नॉलेज एंड टू गेट रेड ऑफ़ द फिजिकल स्कैरसिटीज यानी कि फिजिकल नॉलेज uh, के साथ साथ हमारे फिजिकल स्कैरसिटीज को भी रिमूव रेड ऑफ पाना यानी पार पाना ही हैज़ कंसिडर दी अना शक्ति योग एज ए बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्परिचुअल सेलोवेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर मॉरेलीटी एंड करेक्टर फॉर बेटरमेंट ऑफ फिजिकल लाइफ ठीक है उनके साथ साथ वो कंसिडर करते थे दैट दीज ओनली एज द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ जो कि ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यूज कौन कौन सी थी ट्रुथ की सच्चाई नॉन वायलेंस अहिंसा सेलिबेसी यानी कि जो ब्रह्मचार्य डिस्चेसफुलनेस रेनुशन फियरलेसनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ अनटचिलिटी सोमेंटिक लेबर इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रिलीजन एंड कर्टिसनेस ये सारे वैल्यू uh, है ह्यूमन लाइफ की जो जिन्होंने गांधी जी ने बात की थी आई होप आपको समझ आई होगी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसे नोट डाउन कर लेना नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्जोलॉजी ऑफ गांधी फिलोसफी। सो फर्स्ट इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ़ गॉड क्योंकि गांधी जी ने राम राज्य को स्थापित करने की बात की थी राम राज्य का मतलब क्या है तो राम राज्य यानी कि एक ऐसी प्लेस कि जिसके अंदर हर इंसान के साथ जस्टिस हो इक्वली किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो खुशियाँ हो शांति हो इसके साथ साथ हर किसी एक का होलिस्टिक डवेलपमेंट हो हर किसी इंसान का वेलफेयर हो ठीक है तो इसलिए गांधी जी ने Uh, ये क्या करते थे ये कहते थे कि भगवान पे विश्वास करना रिय रिलाज, रियलाइजेशन करना गॉड को इसके साथ साथ ये बात करते थे ट्रुथ एंड अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कि ह्यूमैनिटी uh, को मानना uh, यानी कि इंसानियत को बढ़ावा देना सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ यूनिफिकेशन राइटेडनेस एंड ट्रुथ एज ऐज हाइएस्ट रिलीजन एंड राम राज्य एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी ई होप आपको समझ आया हो गया ये क्योंकि राम राज्य ही वॉन्टेड टू एस्टैबलिश अम राज्य विच ही डिफाइन विद जस्टिस पीस हैप्पीनेस एंड वेलफेयर फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू गांधी जी द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ इज अटेन थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ सोल एंड फॉर दर्पज ऑफ फेवरेबल सोसाइटी इफ नीड इट वेन ही सॉट वॉज ऑफ अ स्पिरिचुअल सोसाइटी सेट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जस्टिस इक्वालिटी लव एंड पीस तो ये पूरा एक सार है राम राम राज्य राज्य स्थापित स्थापित करने करने के लिए। तो करने के लिए लिए तो मेन चीज़ क्या क्या है कि एक ऐसा ऐसी प्लेस पे जस्टिस है पीस है हैप्पीनेस है और वेलफेयर के लिए काम हो रहा है इसके साथ साथ इक्वली इक्वालिटी है ठीक है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है शांति है और नॉन वायलेंस है अहिंसा है आई होप ये आपको समझ आया होगा नेक्स्ट कुछ एम्स देख लेते हैं और गांधी एजुकेशन uh, की तो फर्स्ट एम है टू हेल्प द चाइल्ड टू बिकम अ सेल्फ सपोर्टिंग सेकेंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर यानी कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना हमें दूसरों के कल्चर को भी इम्पोर्टेंस uh, देना और साथ के साथ अपने कल्चर को भी अपने प्रिजर्व करके रखना और आने वाली जनरेशन को पास ऑन करना करेक्टर बिल्डिंग यानी कि आपकी मोरालिटी पर डिपेंडेंट था कि हमारा करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर हमारी एम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इंश्योर करना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ़ द चाइल्ड यानि कि एक ऐसी एज, एजुकेशन जो बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे काम करे ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर आपके फिजिकल मॉरल सोशल इमोशनल कॉगनेटिव एस्थेटिक और वैल्यूज़ इन सबको कंसिडर uh, करा जाता है नेक्स्ट इज़ टू कल्टिवेट मोरल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ इन द चाइल्ड हमें कल्टिवेट करना है हमें बच्चे के अंदर मोरल, स्पिरिचुअल, सोशल एथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज़ को कल्टीवेट uh, करना है ठीक है उनके अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ है वो डालनी है इंकल्केट करना है डेमोक्रेटिक आइडियल आइडियल्स को एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ को सेंस ऑफ सिटीजनशिप को और डेवलप करना है सोशल वर्चुस को सोशल वर्चुस के अंदर आपकी इक्वालिटी आ जाती है टॉलरेंस आता है ब्रदरहुड यानी भाईचारा आ जाता है सर्विस आती है सिंपथी आती है लिबर्टी आती है इन लर्नर में ठीक है अल्टीमेट एम क्या है एजुकेशन का अल्टीमेट एम एजुकेशन का है सेल्फ रियलाइजेशन कि जब हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी हो जाती है कि हमारा क्या आधार है हमारा क्या बेस है हमारा हमारा क्या एक्सिस्टेंस है तो वो क्या है सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अल्टीमेट एम होना चाहिए एजुकेशन का सेल्फ रियलाइजेशन नेक्स्ट नेक्स्ट है गांधी जी ने दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गांधी जीव द्री आज इज थ्री आवर्स तो थ्री आवर्स हमारे है रीड राइट एंड अर्थमेटिक ठीक है थ्री आवर्स हमारे रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक है रीडिंग यानी कि जब रीड uh, uh, करना पढ़ना लिखना इसके साथ साथ अर्थमेटिक अर्थमेटिक यानी कि लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर आती है तो गांधी जी ने रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक को इंपॉर्टेंस जी थी इसके साथ साथ उन्होंने बात की थी थ्री एच का यानी कि हैंड हर्ट और हेड यानी इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की हैंड यानी कि साइकोमोटर डोमेन और स्किल्स जिसके अंदर हमारे साइकोमोटर uh, स्किल्स आ जाती है इसके साथ साथ हर्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है और हेड यानी कि कॉगनेटिव डोमेन और स्किल्स को के बारे में बात करता है गांधी जी एफरसाइज दर्टन आइडियल्स प्रैक्टिकल वर्क एंड द पोटेंशियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इट इज़ द एजुकेशन थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीच दैम विदर्टन आइडियाज विच विल हेल्प दैम टू बी अ गुड सिटीजन एंड थ्रू द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल इन अ पोजिशन टू थिंक प्रैक्टिकली एंड दे विल भी अटेंटिव एंड एक्टिव ये जो थ्री आर्स को मानकर और थ्री एच को हम uh, कंसिडर करके एक uh, बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू को इनकलकेट कर सकते हैं उनके पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं इसके साथ साथ हम एक बच्चे को आइडियल और गुड सिटीजन बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट गांधीयन एजुकेशन हैज बीन करेक्टराइज एज एनकम पासिंग दी हेड दर्ट एंड हैंड्स, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड यानी कि इन थ्री आरस और थ्री एच के को इन्होंने कॉन्सेप्ट इसलिए दिए था क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी हो सकता है कि जब उसके हेड हार्ट और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन हो ठीक है कि जब वो अच्छा सोचे अच्छा जो काम करे इसके साथ साथ वो क्या है वो अपना अच्छा हार्ट हो उसका स्पिरिचुअल डोमेन स्किल्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो ये राउंड डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज विच ड्रॉज आउट एंड स्टिमुलेट स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल फैकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रन नेक्स्ट कहा है गांधी जी पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू रेज द मैन टू हायर ऑर्डर थ्रू फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इवेल्यूशन ऑफ अ न्यू मैन ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसे नोट डाउन कर लेना कि गांधी जी का जो मेन uh, पर्पस है एजुकेशन का वो यही है कि इंसान को एक हायर ऑर्डर पर लेके जाना जिसका इंसान हायर ऑर्डर यानी कि जब उसका फुल डेवलपमेंट हो जाए इसके साथ साथ वो एक न्यू मैन बने न्यू मैन यानी कि वो एक एक अच्छा उभर कर आए एक आइडियल मैन बनी तो गांधी जी ने इसको कंसिडर किया था इसको इम्पोर्टेंस दी थी आई होप आपको समझ आया होगा नेक्स्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द करिकुलम ऑफ गांधी एजुकेशन सो गांधी एजुकेशन के अंदर आपके हैंड स्किल्स एंड इंडस्ट्री आ जाती है जिसके अंदर इन्होंने स्पिनिंग विविंग, गार्डनिंग एग्रीकल्चर कारपेंट्री लेदर वर्क बुक्स आर्ट्स क्ले वर्क फिशरीज होम साइंस इन सबको इम्पोर्टेंस दी थी यानी कि गांधी जी एजुकेशन में एक ऐसा करिकुलम जो कि आपके हैंड स्किल्स और इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस देता हो नेक्स्ट इन्होंने बात की थी कि मदर लैंग्वेज हिंदी की हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए वो हमारा हिंदी होना चाहिए हिंदी क्यों क्योंकि गांधी जी ने ऑब्ज़र्व किया था कि जब आ, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो हमारी एजुकेशन थी वो इंग्लिश मीडियम थी तो उन्होंने ये सबसे बड़ी हम बच्चों के लिए जो तब के जो बच्चे एजुकेशन लेते थे उनके लिए प्रॉब्लम थी कि वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते थे तो इन्होंने कहा कि अगर हमें बच्चे को एजुकेशन देनी है तो हमें मीडियम उनका जो मदर लैंग्वेज है उसको यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपनी मदर लैंग्वेज के साथ रिलेट कर सके और इजली कॉन्सेप्ट को गेन कर सके ठीक है इसलिए इन्होंने हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी थी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्योंकि गांधी जी ने हमारे हैंड स्किल्स के साथ-साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी बात की थी जिसके अंदर आपके अर्थमेटिक आ जाते हैं अल्जेब्रा, ज्योमेट्री और मेजरमेंट ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है ये ये मैं सारी बात कर रही हूं करिकुलम की कि गांधी एजुकेशन के अंदर क्या करिकुलम था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सोशल सब्जेक्ट सोशल सब्जेक्ट्स भी आएंगे इसके अंदर जैसे कि हिस्ट्री जोमेट्री सिविक्स और सोशोलॉजी भी इन्वॉल्व है इसके साथ साथ जनरल साइंस है कि गार्डनिंग बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होम साइंस म्यूजिक एंड पेंटिंग नेक्स्ट हेल्थ साइंस यानी कि हाइजीन को भी ध्यान में रख रखना है हाइजीन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाने हैं एक्सरसाइज आनी चाहिए जिसके अंदर और आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होना चाहिए गेम्स और स्पोर्ट्स इसके अंदर आना चाहिए करिकुलम में बिहेवियर एजुकेशन uh, भी इन्वॉल्व करना है हमें करिकुलम में जैसे कि मॉरल एजुकेशन सोशल सर्विस एंड सोशल वर्क ठीक है नेक्स्ट है कुछ मेथड ऑफ टीचिंग है जो कि गांधी जी ने कहा था कि मेथड ऑफ टीचिंग हमारा लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड हो कि हम बच्चा कुछ करके सीखे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें थ्रू टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ यानी कि टीचिंग ऐसी हो जो कि आपको क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ uh, को पढ़ाए इसके साथ साथ लेक्चर और डिस्कशन मेथड इसमें इन्वॉल्व था इमोलेशन मेथड इम्योलेशन मेथड यानी कि इमिटेशन इमिटेशन के थ्रू बच्चे को पढ़ाना एक्शन मेथड कि जब बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है और एक्टिव है और कुछ न्यू डेवलप कर रहा है तो उसको इन्होंने मेथड ऑफ़ टीचिंग में इंक्लूड किया था ओरल मेथड भी होना चाहिए मेथड ऑफ़ टीचिंग में कि आप वर्बली बच्चे को पढ़ा रहे हो और कोरिलेशन मेथड यानी कि अंडरस्टैंडिंग होना और हर चीज़ के बीच में रिलेशनशिप निकालना लेकिन वो रिलेशनशिप भी लगाना सीखे है. ऐसे नहीं कि एज इट इज पढ़ता रहे उन्हें समझे भी चीजों को और रिलेट करना सीखे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टीचर क्या है क्योंकि गांधी जी ने टीचर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस uh, दी है उन्होंने कहा है कि टीचर सर्वप्रिय है टीचर गुरु है और हमें टीचर को एक एक ऐसे स्थान पर देना रखना चाहिए जो कि पूजनीय हो ठीक है तो गांधी जी ने कहा था कि जो टीचर की इसके अंदर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ही हैज़ टू डेवलप द वैल्यूज अमंग लर्नर्स द टीचर शुड फॉलो मॉरेटी देयर शुड नॉट बी एनी डॉग पैच ऑन इज करेक्टर बिकॉज ही इज़ द रोल मॉडल ऑफ मैनी स्टूडेंट्स अभी क्या कह रहा है इसका मतलब है कि जो टीचर एक एक, एक आइडियल होना चाहिए कि लोगों के लिए एक वो इंस्पिरेशन बने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने अगर टीचर का बैकग्राउंड खराब है या फिर अगर टीचर का कुछ भी क्रिमिनल uh, ऑफेंसेस के चार्जेस है उस पर या फिर टीचर अगर uh, अच्छे से बच्चों के साथ बिहेव नहीं कर रहा है उसका करैक्टर अच्छा नहीं है uh, तो वो क्या है तो वो बच्चे का कभी भी रोल मॉडल नहीं बन सकता एक आइडियल टीचर वही होना चाहिए जो कि बच्चे के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सके उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके और जो जिसकी छवि एक आइडियल एक आइडियल इंसान की हो वही टीचर का वही बच्चे का रोल मॉडल बन सकता है गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन ऑफ द हर्ट कुड ओनली बी डन थ्रू द लिविंग टच ऑफ टीचर ठीक है टीचर का जो इम्पोर्टेंस बहुत ही है क्योंकि टीचर क्या करता है वो बच्चों के हार्ट को टच करता है ठीक है एजुकेशन बिकम्स अफेक्टिव एंड फेथफुल ओनली टू द एक्सटेंड टू विच देयर इज पर्सनल टच बिटवीन टीचर एंड एंड द टॉट यानी कि जो हमारी एजुकेशन है वो तभी इफेक्टिव और फेथफुल बन सकती है कि जब हमारे पर्सनल टच हो टीचर के बीच में और टीचर के पढ़ाए हुए कॉन्टेंट के बीच में इट विल भी डिफिकल्ट टू अचीव करेक्टर बिल्डिंग इन दी एबसेंस ऑफ डिवोशन ऑफ़ द टीचर ही शुड हैव डिवोशन टू ड्यूटी टू द स्टूडेंट्स एंड टू दॉड ही इज टू प्ले द रोल ऑफ़ मदर रोल ऑफ़ मदर क्यों कहा गया है टीचर को क्योंकि रोल ऑफ़ मदर इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हमारी माँ हमारी मम्मा हमें सिखाती है एक वो हमारे हमें नर्चर करती है हमारे अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करती है उसी हिसाब से उसी तरह से जो टीचर है वो भी एक मदर की तरह काम करता है नर्चर करता है हमें और हमारी कंडीशनिंग करता है गांधी जी एन आइडियल टीचर इन गांधी जी वर्ड इज़ द मदर टीचर ही सेज़ आई यूज द वर्ड मदर टीचर बिकॉज द टीचर मस्ट रियली बी अ मदर ऑफ अ चिल्ड्रन नेक्स्ट गांधी जी एज एन आइडलिस्ट नेशनलिस्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछ लेता है कभी भी क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी फिलोसफी है जो कि इन तीनों वेस्टर्न फिलोसफी को मानती है यानी कि आइडियलिज्म को भी नेचुरलिज्म को भी और पैगमेटिज्म फिलोसफी को भी तो वो हमारी गांधी जी की फिलोसफी है जो कि इन तीनों को कंसिडर करती है गांधी जी एज एन आइडियलिस्ट क्या कहते हैं Gandhi had very high ideals that he followed the ideals like simplicity truthfulness and non-violence he had not only uh, the three uh, their principles in mind but also plasticized them in his life this is very important गांधी जी ने कई सारे आइडियल की आइडियल्स आई, की बात की थी यानी कि कई सारे वैल्यूज़ की बात की थी अब आप बताओ वैल्यूज़ की बात तो आइडियलिज्म फ्रॉक्स में, में करते हैं तो इसके अंदर किस किन वैल्यूज़ की बात की थी तो गांधी जी ने बात की थी सिंपलिसिटी की ट्रूथफुलनेस की और नॉन वायलेंस की तो इसलिए गांधी जी को एज एन आइडियलिस्ट कंसिडर करते हैं गांधी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ना सिर्फ आपको वैल्यूज़ के बारे में बताते थे लेकिन वो अपने जीवन में भी उतारते थे उन वैल्यूज़ को उन वैल्यूज़ को वो अपनाते भी थे

जैसे कि हमने पढ़ा कि गांधी जी की जो एम ऑफ एजुकेशन था और मेथड ऑफ टीचिंग था उसके अंदर इन्होंने किन को बढ़ावा दिया था उन्होंने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग कि मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए जो कि आ, कुछ करके सीखने को ठीक है तभी उनको एज अ कहा था कहा, कहा जाता था क्योंकि जो गांधी जी है वो लर्निंग बाय डूइंग पर बिलीव करते थे और बिलीव करते थे कि जो एक बच्चा है वो अपना हर चीज को अच्छे से सीख सकता है और अपना बेस्ट दे सकता है कि अगर जब बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू हो और प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को वो करें ठीक है नेक्स्ट है गांधी जी को नेचुरलिस्ट क्यों कहा कहते थे गांधी जी को नेचुरलिस्ट नेचुरिस्ट कहते थे, थे क्योंकि वो बिलीव करते थे कि नेचर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज कि नेचर में जिस नेचर में जो बच्चा रह रहा है वो क्या है वो बेस्ट सोर्स है नॉलेज का इसलिए गांधी जी को एज एन नेचुरलिस्ट भी कंसिडर किया जाता था तो ये हमारी पूरी गांधी फिलॉसफी थी आई होप यू लाइक इट अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना सो दे कैन ऑल्सो भी बेनिफिटेड विद दिस वीडियो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है गांधी फिलॉसफी से रिलेटेड या कोई भी क्वेरीज है सो यू कैन मी इन कमेंट सेक्शन बिलो और जो फीडबैक है आप मुझे दे सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड इसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम लिंक है यहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि हम टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे हम कई सारे एम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली हम सॉल्व uh, कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो यू कैन जॉइन फ्रॉम हेयर मेरा जो लिंक है इसका वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है सो थैंक यू सो मच आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टेपलेस एंड लर्निंग थैंक यू